हाई गुड मॉर्निंग साक्षी, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई नो व्लॉग अपडेशन थोड़ा सा लेट हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ नेटवर्क, बट दिस इज द लास्ट डे हियर। एंड सबसे खास बात, आज मैं आपको ऑर्चिड दिखाऊंगी जिसके बारे में मैंने आपको व्लॉग में नहीं बताया, जो कि असम के, जिन्होंने गेस करा वो राइट थे। जो असम के मतलब स्टेट फ्लावर्स होते हैं, ऑर्चिड 70% असम में उगता है और 70% ही असम से वो होता है लाइक ट्रांसपोर्ट। पता है नीचे देख के चलना पड़ता है, कई बार शेल के ऊपर पैर ना आ जाए। सो ऑर्चिड आर वेरी मतलब कॉस्टली फ्लावर। अगर आपको पता हो, अगर आप फ्लावर्स किसी को गिफ्ट करते हो तो। मैं जा रही हूँ फिलहाल नाश्ता करने, अभी वो बज रहे हैं सुबह के 9:30। एंड जस्ट लुक एट दिस व्यू, कल से बारिश रुकी नहीं है। बूंदाबांदी नहीं तो बारिश, बूंदाबांदी नहीं तो बारिश। शाम को तो आप पर फ्रॉक्स भी उछलते हुए मिल जाते हैं। सो वेयर आई एम लिविंग, इट्स एक्चुअली अ काइंड ऑफ विलेज एरिया एंड आई लव दिस प्लेस यार। अभी तक के सफ़र की सबसे बेस्ट जगह थी मेरी। ये जगह छोड़ दें, बट पता है मतलब खाना रहना सब कुछ एक फैमिली की तरह था एंड इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस टू बी हियर। सो गाइस, फाइनली मुझे इस जगह को बाय बाय करना है, बट मुझे बड़े हॉर्स मिल गए यहाँ के। ये रहे बड़े हॉर्स ही, वो छोटू लग रहे थे। ये बड़े लग रहे हैं, ये हॉर्स राइडिंग वाले वही हॉर्सेस हैं। अरे यार, मेरी गलतफहमी हो गई थी यार, यहाँ पे कोकोनट उगता है इस प्लांट में। सो गाइस, अगर आप क्रॉस कर रहे हैं ना ये मतलब, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं दार्जिलिंग की तरफ, हमारा तय हो चुका है हम दार्जिलिंग की तरफ जा रहे हो, मगर अगर आप असम क्रॉस कर रहे हो ना तो आपको हर जगह टी प्लांटेशन ज़रूर दिखेगी असम में। आई गेस दार्जिलिंग और असम सबसे पीक पर है टी प्लांटेशन में। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताओ क्या लगता है कौन सी जगह सबसे हाइक पर है टी प्लांटेशन के। पता है आप जब ये एरिया क्रॉस कर रहे होगे ना तो मतलब नॉर्थ ईस्ट साइड बहुत ग्रीनरी है, गर्मी ह्यूमिड है क्योंकि ऑब्वियसली ये सी मतलब कोस्ट ब्रह्मपुत्र से कहीं ना कहीं रिवर्स निकलती हैं और भी बहुत रिवर्स निकलती हैं यहाँ पे। मगर पता है ये मतलब गर्म ज़रूर है, इवन कर्नाटका भी ऐसा ही है, मतलब बहुत ग्रीनरी है, बट यहाँ पे भी थिक फॉरेस्ट है जैसे कर्नाटका में है। सो मैं अभी भी इस एरिया क्रॉस कर रही हूँ ना, मगर हमें ना वो नहीं मिलते कर्नाटका में बैम्बूस। सो कर्नाटका के अपने टाइप के ट्रीज होते हैं, तो कर्नाटका में अपनी टाइप की ट्री, मतलब जैसे ही मैं क्रॉस कर रही हूँ तो मुझे वो कर्नाटका की सड़कें याद आ रही है प्रॉपर, जब मैं कर्नाटका के विलेजेस काइंड ऑफ क्रॉस कर रही होती थी। मतलब गिराई दिया आपने, तो ये तो आपकी जिम्मेदारी बनती है ना। इतना देखो, अभी भी इतना थोड़ी मैं पे करूंगी, 93 रुपीज मैं पे नहीं करने वाली है। मैं अपना 3,000 पे करूंगी, इतना डलता भी नहीं है, ये आपकी गलती है, मैं अपना 3,000 ही पे करूंगी। यहाँ रुकी थी मैं पेट्रोल डलवाने एंड आई जस्ट वांटेड टू कैमरा पे मैं उसका रेट पूछ लूँ एंड सी लुक एट द इंसिडेंट्स क्या हुआ। वो तो मैं पेट्रोल पंप पे आजकल कैमरा खोल लेती हूँ क्योंकि ट्रैवल हर जगह रेट अलग है। यहाँ 6 रुपए हैं जहाँ पर भी मैं हूँ। मैं अभी असम में ही कहीं बॉर्डर पर हूँ और अभी अराउंड 10 घंटे के आसपास है। ऑलरेडी मेरी कहीं बात हो चुकी है स्टे की। सो दार्जिलिंग अगर आप लोग जा चुके हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि दार्जिलिंग कम से कम कनोका से 13 घंटे का रास्ता है। सो किलोमीटर में मैंशन कर देती हूँ एंड आई एम नॉट श्योर, और मैं गाड़ी चलाती हूँ कहीं से भी गाड़ी आ रही है। कंटिन्यू ऑन नेशनल हाईवे 27 फॉर 22 किलोमीटर। मुझे हाई करने आया गाइस, हेलो ग्लास होपर, ये अटका हुआ है शायद शीशे पे, इसको सीधा खोल के उड़ाते हैं। सो गाइस, हम लोग अब खाने के लिए रुके हैं सुबह से एंड इट्स लाइक अभी 9:30 हो रहे हैं। हम मुझे लग रहा है हम लोग 2 बजे के आसपास दार्जिलिंग पहुंचेंगे एंड इनकी जो दाल मखनी है वो कुछ ऐसी है, खुशबू तो अच्छी आ रही है। लच्छा पराठा एक ही आया है, तुम स्टार्ट करो। रात के कुछ 1:40 पे ये रिश्ता ऐसा हो गया था कि कुछ
क्लाउड से ही जमीन पर आ गए थे। अब ये दार्जिलिंग का सीन है, सो रात को दार्जिलिंग कभी क्रॉस मत करो, दिन में जितना मुझे क्रॉस करो दिन में बादल आ जाते बट अच्छा कुछ रास्ता दिखता है, बट रात को बिल्कुल ध्यान रखना। सो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं, रात के 2 बज रहे हैं। ये रोप इधर ही टॉप रिजॉर्ट है और अभी अभी मैं सो के वापस उठी हूँ एंड यू नो हम रात के 2 बजे यहाँ के ऑनर को डिस्टर्ब कर रहे हैं। सो दिस इज़ द रूम एंड कल शेयर करूँगी बाकी। दिस इज़ द अलमीरा एंड आई विल शेयर टुमारो ऑल द स्टोरीज ऑफ दिस प्लेस गाइस एंड आई एम गोना गो नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बीइंग हियर, सी यू टुमारो विद दिस दार्जिलिंग। एंड कुछ हमें कमेंट करना चाहो अगर आप दार्जिलिंग आ चुके हो, सो प्लीज़ बताना कमेंट करके कि दार्जिलिंग में क्या अच्छा और क्या देखने लायक है। इवन द बेड इज़ अमेजिंग। सो सी यू टुमारो, बाय।